क्वेश्चन नंबर 10, एंथर यूजुअली पोजेसेस, एंथर की अगर हम बात करें, जैसा कि अभी हमने देखा कि ये हो गया फिलामेंट, स्टेमन की स्टॉक, देन एंड ये वाला बायलोब स्ट्रक्चर इज एंथर। अब इस एंथर को ही अगर हम अच्छे से स्टडी करें तो वो कैसा स्ट्रक्चर नजर आता है, बायलोब्ड है, और हर एक लोब में यहाँ पर ऐसे दो पोलन सैक्स ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, दिस इज फिलामेंट। सो यहां पर ये एक पोलन सैक, ये दूसरा पोलन सैक, ये तीसरा पोलन सैक, ये चार। सो बेसिकली कितने सैक प्रेजेंट है, फोर सैक्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये एंथर के कितने लोब्स हैं, ये हो गए एंथर के टू एंथर लोब्स, यानी बायलोब स्ट्रक्चर। एंड इसके अंदर ये क्या हो गए, फोर पोलन सैक्स, फोर पोलन सैक्स और ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। सो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस देखें, एंथर, एंथर यूजुअली पोजेसेस वन सैक, एक सैक तो नहीं है, यूजुअली नॉर्मल कंडीशन की बात की गई है, टू सैक भी नहीं है, थ्री सैक भी नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज फोर सैक्स।